ये हमने देखा अभी कि जो प्लेट ऐसे नीचे गई थी तो इधर का हिस्सा ऊपर उठा था, इधर का हिस्सा नीचे। इसी प्रकार से इधर की हाइट ज़्यादा और कम और कम और कम कम होती जाती है, यानी कि दक्षिण की जो चोटियां हैं, दक्षिण की जो चोटियां हैं उनकी हाइट ज़्यादा होती है, और जो उत्तर की ओर जैसे जैसे पर्वत बढ़ता जाता है, मतलब आगे आगे बढ़ता जाता है, यानी उनकी हाइट क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो हम देखते हैं बारिश करवाते हैं, तो ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले जब नीलगिरी पर्वत से टकराता है, नीलगिरी पर्वत से टकराता है तो यहाँ मानसून विस्फोट कहलाया जाता है। मानसून विस्फोट, जब मानसून की पहली वर्षा कहाँ होती है, केरल में। मानसून की पहली वर्षा कहाँ होती है, केरल में। तो केरल में होने के कारण इसको क्या बोला जाता है, मानसून विस्फोट, मानसून विस्फोट, मानसून विस्फोट। तो अब ये जो है हवाएं, मैंने अभी बताया वृष्टि छाया प्रदेश, मैंने अभी बताया आपको वृष्टि छाया प्रदेश, तो जिसकी पश्चिमी घाट के पश्चिम में जो बारिश होगी, पश्चिमी घाट के पश्चिम में बारिश होगी और वो घर्षण होकर के कहाँ उठेगी, पर्वत के सारे उठेगी, तो घर्षण के कारण उन बादलों में तापमान वृद्धि हो जाएगी। तापमान वृद्धि होने के कारण तो ये जो इधर का हिस्सा है, इधर का जो हिस्सा है पश्चिमी घाट का पूर्वी हिस्सा, ये कहलाता है वृष्टि छाया प्रदेश। क्यों? क्योंकि इधर तो बारिश हो रही है और इधर बारिश नहीं हो रही है, यानी कि पश्चिमी घाट के पश्चिम में तो बारिश हो रही है और पश्चिमी घाट के पूर्व में बारिश नहीं हो रही है। ठीक है, वो क्यों नहीं हो रही है, इस पर्वत श्रृंखला के कारण। तो इस पश्चिमी घाट पे तो खूब जोर शोर से बारिश होती है। किस मानसून से? दक्षिण पश्चिम मानसून से। कितनी बारिश होती है? 350 सेंटीमीटर, 350 सेंटीमीटर बारिश कर दी मानसून ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर। तो यही मानसून की हवाएं इधर बढ़ती है, तो अभी मैं सिर्फ दक्षिण पश्चिम मानसून की बात कर रहा हूँ। अभी ये दक्षिण मानसून की दो शाखाएं हो जाती है, अभी दक्षिण पश्चिम मानसून और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। तो इस बंगाल की खाड़ी वाली शाखा को मैं बाद में बात करूंगा और फिर मैं इससे बात कर रहा हूँ। तो 350 सेंटीमीटर बारिश हो जाती है कहाँ, नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर। ठीक है, तो ये हवाएं पर्वत के सारे आगे बढ़ती जाती है, तो कर्नाटक में बारिश होती है, कर्नाटक में बारिश होती है लगभग लगभग 10 जून तक। महाराष्ट्र में बारिश होती है लगभग लगभग 15 से 18 जून के बीच में। ठीक है, उसी प्रकार जैसे जैसे मध्य प्रदेश में एंटर करती है, मध्य प्रदेश में हम इसको एंटर करवाएंगे। ठीक है, उसके पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं गिरपाड़ियाँ। तो ये जो हवाएं चल रही है इस निम्न दाब क्षेत्र को भरने के लिए, ये जो हवाएं चल रही है, लेकिन इनके अवरोध पैदा करने के लिए, इनका अवरोध करने के लिए ये तीन महारथी बैठे हैं, यानी कि तीन प्रहरी बैठे हैं। किसके लिए? इस मानसून के लिए। तो ये गुजरात में तीन प्रहरी बैठे हैं पर्वत के रूप में, तो गिर के ऊपर मांडव और गिर के जो बाएं साइड है वो बारादा पहाड़ी। तो ये तीन पहाड़ियाँ ये मानसून के अवरोध पैदा करने के लिए बैठे, यानी कि प्रेरी है कि तुमको प्रवेश करने के लिए पहले हमसे सामना करना पड़ेगा। ठीक है, किसको सामना करना पड़ेगा? मानसून को। किसका सामना? गुजरात में जो पहाड़ियाँ हैं उनका सामना। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी। तो जैसे ही लड़ाई हुई इन दोनों के बीच में, तो ये जो मानसून इससे टकराएगा, ये जो मानसून इससे टकराएगा। अब मानसून तो हवा रूपी है, ठीक है, हवा में नमी युक्त है। तो ये मानसून जब पर्वत से टकराया तो इस मानसून ने, इस हवाओं ने गुजरात में बारिश करी। तो गुजरात में जो ये काठियावाड़ जो प्रदेश है, ये जो गुजरात का जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये काठियावाड़ प्रदेश कहलाता है। ठीक है, काठियावाड़ का इलाका कहलाता है, यानी कि काठियावाड़ क्षेत्र कहलाता है। तो ये जो मानसून जब इस गुजरात में पहाड़ी रूपी प्रहरी से टकराएगा तो ये इसका जो नमी युक्त है वो गुजरात में अपनी नमी छोड़ देगा। किसके रूप में? बारिश के रूप में। तो गुजरात में भी हो गई बारिश। ठीक है, तो यहां से निकल के, यानी कि इससे टकराने के बाद
तो ये जो मानसून कमजोर पड़ गया, अब कोई भी व्यक्ति किसी से लड़ता है तो थकता तो है, तो ये मानसून थक चुका है अभी। तो किस रूप में थका? नमी, नमी के रूप में। तो यानी कि ये जो मानसून नमी के रूप में थक चुका है, यानी आधी नमी मतलब कि कुछ नमी गिर पहाड़ियों में इसने छोड़ दी। अभी भी नमी बच रही है इनमें, लेकिन कम बच रही है इसकी अपेक्षा। तो ये जो मानसून चलता जाएगा, तो मानसून के अवरोध पैदा करने के लिए एक और प्रेरी बेटा है, एक और प्रेरी बेटा, वो अरावली पर्वत पे बैठा है। अरावली पर्वत पे बैठा, तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ आती है? माउंट आबू में। माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में कौन है? अरावली पर्वत। ठीक है, तो ये जो मानसून इधर पहुंचा, ये मानसून जब इधर पहुंचा, ठीक है, ये पहुंच रहा है, ये पहुंच रहा है, ठीक है। तो अब आपको पता है, यदि मानसून को सामना करना होता है तो उसके सामने दीवार रूपी क्या होना चाहिए? अवरोध होना चाहिए, ठीक है। तो ये अरावली पर्वत किसके समांतर खड़ा है? किसके समांतर? मानसून के समांतर। कौन से मानसून? दक्षिण पश्चिमी मानसून के समांतर। तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समांतर, तो कुछ जो है ये जो चोटी से टकरा के, तो माउंट आबू में तो वर्षा हो जाती है, ठीक है, लेकिन जो आजू बाजू की जो है शाखाएं, जो हवाएं, वो अरावली पर्वत के समांतर चल पड़ती है, अरावली पर्वत के समांतर चल पड़ती है। तो अभी यहाँ इनको इनका दुश्मन नहीं मिला है, दुश्मन मतलब कि अवरोध पैदा करने वाला पर्वत या पठार, ठीक है। तो अभी इनका क्या सामना अभी किसी व्यक्ति किसी पर्वत से नहीं हुआ है। क्यों क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये तो इसके साथ में चलने वाला पर्वत है, यानी कि इसके साथ में मतलब कि इसके समांतर जो मानसून चल रहा है उसके समांतर खड़ा हुआ है। ये हमारा दुश्मन नहीं है, ये हमारा अवरोध पैदा करने वाला पर्वत नहीं है, ठीक है। तो ये जो मानसून चल पड़ता है, ठीक है, तो ये जो मानसून जो है दिल्ली में भी बारिश करता है, दिल्ली में बारिश करता है ये मानसून, तो इसको पहुंचा दिया अपन ने कहाँ? दिल्ली हरियाणा पंजाब, दिल्ली हरियाणा पंजाब में। तो दिल्ली हरियाणा पंजाब में भी इस मानसून से कुछ बारिश होती है, दिल्ली में थोड़ी अधिक होती है, हरियाणा पंजाब में थोड़ी कम होती है, ठीक है। तो अब इस मानसून को हमने पहुंचा दिया राजस्थान दिल्ली तक, अब इस मानसून को हमने तो यहीं छोड़ दिया, इसको भी लेके चलते हैं। तो ये जो हवाएं हैं, अब ऐसा नहीं है कि हमने छोड़ दिया तो यहीं है, ये अपने मन से नहीं चल रही है, ये अपने खुद के मन से चल रही है, ठीक है। लेकिन पहले ये वाले मानसून का हमने देख लिया। अब ये मानसून हमारे केरल में वर्षा कर चुका था, तमिलनाडु जो नीलगिरी पर्वत है उसके पश्चिम में भी वर्षा की, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा तमिलनाडु में नहीं होती, तमिलनाडु में नहीं होती है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा तमिलनाडु में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये इसका अवरोध पैदा करने के लिए ये यहाँ जो पर्वत श्रेणी है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी के नीचे एक आ जाती है अपनी कार्डमम, जिसको इलायची पहाड़ियाँ भी बोलते हैं, और इलायची पहाड़ियों का नाम ही इंग्लिश में कार्डमम, कार्डमम जो इलायची को ही क्या बोलते हैं? कार्डमम बोलते हैं इंग्लिश में। तो इलायची पहाड़ियाँ ही क्या कहलाती है? कार्डमम। और कार्डमम ही क्या है? इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। तो ये जो मानसून ने केरल में वर्षा करी, और करने के बाद में ये जो मानसून है इसके समांतर चलने लगा, इसके समांतर चल। तो ये जो भी मानसून है ये आएगा, ये वाला मानसून इधर टकराएगा, कर्नाटक के जो महाबलेश्वर चोटी से टकराएगा, ठीक है, तो बारिश करेगा, ठीक है। बारिश करने के बाद इधर बारिश नहीं होगी, पूर्वी तट पे बारिश नहीं होगी, ठीक है, बारिश होगी लेकिन बिल्कुल कम रूप, बिल्कुल थोड़ी सी, लेकिन तमिलनाडु में बिल्कुल भी नहीं होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश कहाँ नहीं होती है? तमिलनाडु में नहीं होती है। तो देखते इधर कर्नाटक में बारिश कैसे हो जाती है, ठीक है, कर्नाटक में बारिश कैसे होती है देखते हैं। तो ये जो है मानसून, मानसून आया पश्चिमी घाट से टकराया, पश्चिमी घाट से टकराया, इधर ऊंचाई ज्यादा थी, समझो बात को, इधर ऊंचाई 2600 यानी कि लगभग लगभग 3 किलोमीटर के समथिंग, 3 किलोमीटर के समथिंग थी दक्षिण में। यदि मैं कर्नाटक में पहुंचा, यहाँ तो 1436 यानी कि लगभग लगभग 1.5 किलोमीटर जस्ट दक्षिण में जो पर्वत था उसका हाफ हो गया कहाँ? कर्नाटक में। तो उसका हाफ होने का कारण यानी कि ये जो
ये जो मानसून, ये जो मानसून आता है पश्चिमी घाट पे बारिश करके हवाएं ऊपर उठती है। हवाएं ऊपर उठने के बाद जो ये क्षेत्र है मैंने अभी बताया, ये वाला क्षेत्र इधर हवाएं की, हवाओं ने बारिश कर दी और ये वृष्टि छाया प्रदेश। तो ये ज्यादा ऊंचा पर्वत नहीं है, तो उस कारण से ये जो हवाएं इसके पूर्वी घाट में चली जाती, थोड़ी बहुत बारिश कर देती, थोड़ी बहुत बारिश कर देती है। उसी प्रकार ये हवाएं महाराष्ट्र में कलसूबाई छोटी, हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ, इनसे टकरा करके बारिश महाराष्ट्र में कर देते हैं। और यहाँ इनकी ऊंचाई और कम हो जाती है, लगभग लगभग 1100 से 1200 मीटर के आसपास। और ये जो है पासेस, यानी कि दर्रे हैं, यहाँ था एक पालघाट दर्रा, यह था बोरघाट दर्रा, यह था थालघाट दर्रा। तो इन दर्रों से हवा प्रेस, जो दर्रे से मेघ यानी कि बादल प्रवेश करते हैं, हवाएं प्रवेश करती है, तो इधर महाराष्ट्र में इधर भी बारिश हो जाती है। इधर भी बारिश ज्यादा नहीं होती है, थोड़ी हल्की सी होती है, लेकिन इधर भी बारिश क्या है, हो जाती है। ठीक है, तो इधर इधर के जो हिस्से पे जो सादरी पर्वत के पश्चिम में बारिश अच्छी खासी होती है, और वहीं उधर बारिश थोड़ी बहुत फुहारों के रूप में होती है। फुहारों के रूप में इतनी नहीं होती है कि 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, इतनी नहीं होती है। फुहारों के रूप में होती है, लगभग लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर, 5 से 10 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं तो ये जो मानसून फिर एंटर करता है ताप्ती नदी घाटी में एंटर करता है, ताप्ती भ्रंश घाटी में एंटर करता है। तो ये जो है वो यही जो मानसून है नर्मदा भ्रंश घाटी में भी एंटर करता है, यही जो मानसून है नर्मदा भ्रंश घाटी में भी एंटर करता है। तो इस मानसून की जो क्षमता थोड़ी कम हो गई, तो यहाँ बारिश हुई है 350, तो और जिसके बाद डोडाबेटा में होगी 300, और महाबलेश्वर चोटी में होगी 280, और महाराष्ट्र में बारिश होगी पश्चिमी घाट पर लगभग लगभग 250 सेंटीमीटर वर्षा। कितनी? 250 सेंटीमीटर वर्षा। तो ये जो है ना, अब इनकी नमी कम हो गई है, इनकी नमी कम हो गई है। तो ये जो मानसून जाएगा अब ताप्ती नदी में एंटर करेगा, ताप्ती भ्रंश घाटी में एंटर करेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मानसून को आकर्षित करने वाला एक ही पर्वत पठार होते हैं, पर्वत पठार सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं मानसून को। आपने देखा होगा कि आप यदि कहीं से गुजर रहे हो और आपके आसपास यदि पर्वत पठार है तो आपने ये देखा होगा कि जो बादल है पर्वत के जस्ट ऊपर ही रहते हैं, पर्वत के जस्ट ऊपर रहते, क्योंकि पर्वत पठार में उपस्थित पेड़ पौधे वनस्पति वही बादलों को आकर्षित करके खींच के रखते हैं। इसी प्रकार ही तो पर्वत पठार के क्षेत्र में बारिश ज्यादा होती है। ठीक है, तो उसी प्रकार इसको कौन बुला रहा है? अभी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी बुला रही है इसको। कौन बुला रहा है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में जो हमारी महादेव पर्वत श्रेणी सबसे ऊंची चोटी, उसको आकर्षित कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ एंटर करेगी तो यहाँ पे ग्वालियर पहाड़ी है, उससे टकराएगी, वहां वर्षा करेगी। आगे चलो तो महादेव पर्वत श्रेणी पर ही तो इसी महादेव पर्वत श्रेणी पर ही तो महादेव पर्वत श्रेणी पे अवरोध पैदा होता है। महादेव पर्वत श्रेणी के अवरोध पैदा होने के कारण महादेव पर्वत श्रेणी पर अच्छी जमखम के बारिश होती है, जमखम के बारिश होती है। उसी बारिश के कारण यहाँ लगभग लगभग कम से कम 200 सेंटीमीटर समथिंग बारिश होती है। 200 सेंटीमीटर मैं बता दूं आपको, लगभग लगभग 150 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश कर देता है यहाँ महादेव पर्वत श्रेणी पर। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो ये जो मानसून है, ये मानसून एंटर करेगा नर्मदा घाटी में। तो यहाँ जो इनका अवरोध पैदा करने के लिए ये वाले मिलेंगे, ये जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी की कुछ श्रेणियाँ मिलेंगी। तो ये ज़्यादा ऊंची नहीं है, ये ज़्यादा ऊंची तो है नहीं। तो यहाँ जो मालवा के पठार में औसतन बारिश कर देता है लगभग लगभग 100 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर के बीच में मालवा के पठार में बारिश कर देता है। वो भी मैंने कारण बता दिया क्यों करता है, क्योंकि यहाँ जो विंध्य पर्वत श्रेणी की जो ऊंचाई है वो ज़्यादा नहीं है, लगभग लगभग ज़्यादा 800
और 900 के बीच में है, यानी कि 850 औसतन ऊंचाई कितनी है, 850 मीटर ऊंचाई। ज्यादा ऊंचा ना होने के कारण ये मानसून यहाँ पे इसकी गति अवरोध ना, और जिसके बाद में ये मानसून पहले से ही क्या है अपनी क्षमता को खो देता है। क्यों खो देता है, क्योंकि इसने पश्चिमी घाट पे यानी कि सादरी पर्वत श्रेणी पर क्या कर दी, इसने बारिश कर दी। अब इसमें नमी भी हो गई कम, नमी भी हो गई कम, ठीक है, तो उस कारण से ये जो है ऊंचाई कम होने के कारण यहाँ भी अपनी नमी को छोड़ देता है, लेकिन लगभग लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। उसी प्रकार मैं आगे बढ़ता हूँ तो कैमूर पर्वत श्रेणी है आगे, कैमूर पर्वत श्रेणी, भांडेर पर्वत श्रेणी, ये सारे हिमाचल विंध्याचल पर्वत श्रेणी के ही भाग हैं। तो यहाँ बारिश होती है लगभग लगभग बिल्कुल औसतन, बिल्कुल औसतन, मैं मान लो लगभग 75 के समथिंग बारिश होती है, 75 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है। क्यों, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है वो और कम, ये जो कैमूर पर्वत श्रेणी की ऊंचाई जो है थोड़ी सी, जो मालवा का पठार है इससे थोड़ी सी अधिक है, लगभग लगभग 1050 से 1100 मीटर के समथिंग इसकी यहाँ पे ऊंचाई है, जिसकी ऊंचाई आपको पता है बुंदेलखंड पठार, बुंदेलखंड पठार सॉरी रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार में क्या आती है, कैमूर पर्वत श्रेणी आती है। तो वहीं पे जो है रीवा पन्ना के पठार पर ये कैमूर पर्वत श्रेणी पड़ती है, और कैमूर पर्वत श्रेणी की जो ऊंचाई है लगभग लगभग औसत 1000 और 1100 के बीच में। उसी प्रकार ये पर्वत जो मेघ टकराते हैं इससे, तो यहाँ भी लगभग लगभग बारिश कर देते हैं वही 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में, 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में, सॉरी 75 से 100 सेंटीमीटर नहीं, 50 से 75 सेंटीमीटर तक। क्यों, क्योंकि इसकी नमी अब कम हो चुकी है, इसमें जो क्षमता थी बारिश करने की वो बिल्कुल घट चुकी है, वो बिल्कुल घट चुकी है। तो इस कारण से इस मानसून से लगभग लगभग यहाँ पे बारिश होती है 75 के समथिंग, 75 के समथिंग। तो ये मानसून हमने एंटर किया मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में चलेंगे तो बिल्कुल फिक्स डाटा अपन देखेंगे किस पठार में कितनी बारिश होती है, क्योंकि मध्य प्रदेश के क्षेत्र अलग अलग है, उनको हम देखेंगे बघेलखंड में कितनी होती है, तो बुंदेलखंड में कितनी होती है। आपको दे आपने देखा कि जो मध्य भारत का पठार है, तो मध्य भारत का पठार के क्षेत्र पर ग्वालियर शिवपुरी दतिया होती है, ये आते हैं सारे भंड मुरैना ये आते हैं, और वहाँ अवरोध पैदा करने के लिए ऐसा कुछ पठार इतना ऊंचा कुछ है नहीं, तो वहाँ बिल्कुल बारिश बिल्कुल औसतन होती है, मतलब कि 50 सेंटीमीटर तक होती है। तो सबसे कम बारिश मध्य प्रदेश में कहाँ होती है, मध्य भारत के पठार में। देखेंगे कहाँ होती है फिर, कौन से जिले में होती है, मध्य प्रदेश में तो चलते हैं। ये तो हुआ, हमने एंटर कर दिया पूरा दक्षिण पश्चिम मानसून को पूरा खत्म कर दिया अपने, एंटर कर दिया और इनकी नमी भी समाप्त कर दी, इनकी जो क्षमता थी, इनकी जो जोश जुनून था बारिश करने का वो बिल्कुल कम हो गया। अब आते हैं बंगाल की खाड़ी पे, अब आते हैं बंगाल की खाड़ी पे। तो ये बंगाल की खाड़ी भी अब देखो, इनका अवरोध पैदा करने के लिए यहाँ कुछ पर्वत श्रेणी है, ये जो अवरोध पैदा करने के लिए, देखो यहाँ पे भी तमिलनाडु में बारिश नहीं हुई, इसका अवरोध पैदा करने के लिए कोई सा भी पर्वत नहीं है। तो यहाँ जो है ना, यहाँ जो अवरोध पैदा करने के लिए कुछ पर्वत श्रेणी छोटी छोटी है, तो इसमें एंटर करके यहाँ तो बारिश कर देता है आंध्र प्रदेश और इधर तेलंगाना, इधर उड़ीसा, इधर पश्चिम बंगाल में यहाँ पे ज़्यादा कोई बारिश नहीं होती, लेकिन आंध्र प्रदेश उड़ीसा क्षेत्र में थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये जो पर्वत पठार है ज़्यादा ऊंचे तो नहीं है, फिर भी लगभग लगभग और नॉर्मल वर्षा हो जाती है इनसे। लेकिन जब दक्षिण पश्चिम मानसून एंटर करता है, ये आपने देखा, सॉरी दक्षिण पश्चिम मानसून नहीं, बंगाली खाड़ी वाला मानसून एंटर करता है, तो बंगाली खाड़ी से बहुत ज़्यादा नमी ग्रहण कर लेता है। देखो यहाँ से बारिश तो इनने कर ही दी थी, यहाँ से बारिश इनने कर दी थी, लेकिन यहाँ पे ज्यादा इनको नमी तो प्राप्त हुई है, नमी तो प्राप्त हुई, लेकिन उसकी अपेक्षा इसको ज्यादा नमी प्राप्त हुई, क्योंकि इसने बंगाली खाड़ी से भी नमी ग्रहण की। तो आपने देखा ये जो है मेघालय, ये वाला हिस्सा किसका है, मेघालय। तो मेघालय में इस मानसून ने एंटर किया, तो मेघालय में बहुत ज्यादा जोर शोर से बारिश हुई। आपको यदि मैं पता हो तो, मैं नहीं हो तो फिर मैं बता दूं आपको कि मेघालय में जो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हैं एक चक्रव्यूह के समान है, एक बार कोई वहां घुसा निकलने नहीं देता है वो पहाड़ियां, निकलने नहीं देती वो पहाड़ियां चक्रव्यूह को जैसा, वो पहाड़ियां चक्रव्यूह के समान है। एक बार बादल उसमें एंटर हुआ तो उसका पूरा पानी या पूरी नमी वहां पे अपनी छोड़ेगा, तभी वहां से क्या होगा, वो बादल ये वो हवाएं बाहर निकलेंगी। यानी कि इतनी
इतनी चक्रव्यूह के समान इतनी घनी है ये पहाड़ियां। एक बार यदि इसमें कोई बादल एंटर हुआ यानी कोई हवाएं एंटर हुई, नमी युक्त प्रवेश किया, तो वो अपनी पूरी नमी को वहां छोड़कर ही निकलेगी वहां पे। इसी कारण से पूरी दुनिया भर में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? मेघालय में। ठीक है, इसी कारण क्यों? क्योंकि वहां से जो पहाड़ियां हैं, वहां की जो पहाड़ियां इतनी इतनी घनी है कि जो एक बार नमी युक्त बादल, नमी युक्त हवाएं उसमें एंटर की, प्रवेश की, तो वहां से वो हवाएं पूरी नमी छोड़ के ही बाहर निकलेंगी। इसी कारण तो मेघालय में क्या होता है, सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो ये हवाएं इधर गई, ये हवाएं इधर जाएगी, ये हवाएं इधर जाएगी, तो ये हिमालय से टकरा गई, हिमालय से टकरा के इधर आएगी। ठीक है, तो हिमालय टकरा के किधर आएगी? इधर आएगी। ठीक है, तो इधर से वर्षा होगी, इधर से वर्षा होगी पश्चिम बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में और दिल्ली तक ही जाएगा, और राजस्थान में भी बारिश ये करेगा, तो मध्य प्रदेश में भी बारिश ये करेगा। तो बंगाल की खाड़ी वाला मानसून और ये जो हमने इधर से दक्षिणी पश्चिम मानसून को एंटर करवाया था ये वाला, तो ये मिलते हैं हमारे कहाँ पे? मध्य प्रदेश के बघेलखंड पठार में मिलते हैं, मध्य प्रदेश के बघेलखंड पठार में मिलते हैं। तो मध्य प्रदेश के बघेलखंड के पठार में मिलते हैं, तो सबसे ज्यादा बारिश भारत में कौन से मानसून से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कौन से मानसून से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। ठीक है, और अगर मैं बता दूं मध्य प्रदेश में भी सबसे ज्यादा बारिश किससे होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। बहुत बहुत सारे व्यक्ति ये बोलते हैं कि बंगाल की खाड़ी से होती है, बंगाल की खाड़ी से होती है, तो बंगाल की खाड़ी से होती है सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ? मध्य प्रदेश में नहीं होती। ठीक है, अरब सागर वाले मानसून, दक्षिणी पश्चिम मानसून से ही वर्षा कहाँ होती है? मध्य प्रदेश में होती है। और बहुत सारी बुकों में ये देखने को मिलेगा कि अरब सागर वाले मानसून से मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा वर्षा होती है, बहुत सारी बुकों में बंगाल की खाड़ी वाले मिलेगा। आप खुद सोचो कि जब ये इनका अवरोध यहाँ हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे अवरोध हो ही नहीं रहा है, सिर्फ इनका अवरोध तो यहाँ हो रहा है, और यहाँ पे पूरी बारिश होगी, नमी यहाँ से भी छुटेगी, फिर इधर टकरा के आएगी, भाई इधर आएगी, इधर आने के बाद में ये भी नमी अपनी क्या आएगी, वहां पे दे चुकी होगी बहुत ज्यादा, और यहाँ पे जो टकराएगी, तो ठीक है यहाँ पे जो टकराएगी, ठीक है, तो ये हवाएं कहाँ, एक जो सतपुड़ा की सबसे छोटी धूपगढ़ है उस पर भी बारिश करती है ये, तो ये वाला जो क्षेत्र है इस पे बारिश करती है, पूर्वी क्षेत्र मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र उसमें भी बारिश करती है, ये पूरे मध्य प्रदेश में बारिश नहीं करती है, पूरे मध्य प्रदेश में बारिश नहीं करती है, क्योंकि अब देखो आप, क्योंकि ये जो हवाएं चली, ये जो हवाएं हैं इनका अवरोध पैदा करने के लिए मध्य प्रदेश में सिर्फ ये नीचे वाली जो हवाएं होंगी इनका अवरोध पैदा करने के लिए सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, लेकिन इनका अवरोध करने के लिए, ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में ऐसा कोई पर्वत नहीं है इनका अवरोध कर दे इस प्रकार से पर्वत। ठीक है, लेकिन जैसे ही हवाएं बिल्कुल नमी बिल्कुल कम, ये नमी उधर छोड़ चुकी है, लेकिन जब ही भारत में एंटर करेगी तो ये अरावली पर्वत से टकराएंगी, यार ये अरावली पर्वत से टकराएंगी, और कुछ दिल्ली में भी इससे बारिश होगी, यूपी में भी इससे बारिश होगी। ठीक है, अरावली पर्वत से टकराएंगी तो अरावली पर्वत में भी थोड़ी बहुत बारिश बंगाली खाड़ी से हो जाती है। तो अब ये हमने इंडिया में एंटर कर दिया मानसून को, तो अब ये लौटता हुआ मानसून, ये लौटता हुआ मानसून देखते हैं, तो ये लौटता हुआ मानसून हम इंडिया में देखेंगे। तो अभी हमने सिर्फ मानसून को एंटर किया, जैसे ही मानसून लौटेगा, तो मानसून लौटने का सिस्टम ये है, मैं आपको बता दूं, मानसून लौटने का सिस्टम ये है, जैसे ही मानसून रिटर्न होगा, मानसून रिटर्न कब होगा, कब होगा? अक्टूबर तक, तो अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा मानसून लौटना, यानी कि सितंबर अक्टूबर के बीच में हमारे मध्य प्रदेश में लगभग लगभग बारिश जून से लेके सितंबर लास्ट महीने तक होता है। तो अक्टूबर का टाइम क्या जाता है? लौटने का टाइम आ जाता है, अक्टूबर का टाइम क्या जाता है? लौटने का टाइम आ जाता है। फिर आप देखो तो जैसे क्यों आ जाता है, कारण भी तो देखो आप, अक्टूबर तक लौट क्यों जाता है मानसून, इसीलिए लौटता है, मैंने अभी आपको बता दिया, मैं आपको लौटता हुआ मानसून ही बता दूंगा कि लौट क्यों रहा है मानसून, वो भी मैं आपको कारण बताऊंगा, मैं बिना प्रूफ के कुछ नहीं बोलता हूँ। ठीक है, आप देखो कारण भी देखो, लौट क्यों रहा है मानसून।
लौटने का मतलब क्या है? लौटने का मतलब ये है कि भाई पहली बात, सबसे पहली बात तो आप ये बताओ कि भाई हमारे इंडिया में मानसून ने एंटर क्यों किया, क्योंकि हमारे भारत में कर्क रेखा, जब सूर्य कर्क रेखा पे लंबवत चमक रहा था तो हमारे भारत में निम्न वायुदाब का क्षेत्र था, इसीलिए हवाएं हमारे इंडिया में आई। क्यों आई? क्योंकि निम्न वायुदाब क्षेत्र को भरना है। उसी प्रकार जब अक्टूबर का टाइम आएगा तो आपने अभी देखा कि ये जो ग्लोब है ठीक है, ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, और ये कर्क रेखा है, और ये मकर रेखा है। तो ये 22 दिसंबर है, और ये 23 सितंबर है, और ये 21 जून है। तो आपने अभी देखा जब 1 जून के टाइम पे हमारे इंडिया में निम्न वायुदाब का क्षेत्र था, हवाएं चल पड़ी इसको भरने, सागर से नमी ग्रहण कर ली, उसमें वाष्प है ठीक है, तो इंडिया में पर्वतों से टकरा के बारिश भी कर दी उसने। क्यों कर दी? क्योंकि सागरों से, महासागरों से नमी ग्रहण कर ली इनने। जब जल के ऊपर क्षेत्र से बहेंगी तो नमी ग्रहण करेंगी। अब देखो आप, मानसून का लौटता हुआ टाइम कब है? मानसून का लौटता हुआ टाइम है अक्टूबर। अक्टूबर के स्टार्टिंग से इंडिया से मानसून लौटने लगता है। क्यों लौटने लगता है मैं कारण बता रहा हूँ, अक्टूबर में लौट रहा है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। तो आप देखो, ये जो सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, सूर्य देखो सितंबर है और यहाँ अक्टूबर का टाइम आ गया होगा, तो सूर्य अब मकर रेखा की ओर उत्तरायण हो रहा है, मकर रेखा की ओर दक्षिणायन हो रहा है, मकर रेखा की ओर दक्षिणायन यानी कि मकर रेखा की ओर अभिसरण हो रहा है। तो ITC Z भी किधर होगा? मकर रेखा की ओर। निम्न वायुदाब का क्षेत्र भी किधर होगा? जिधर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी। अब सूर्य की किरणें कहाँ जा रही है लंबवत पड़ने? कर्क रेखा पे जा रही है लंबवत पड़ने। तो कर्क रेखा में निम्न वायुदाब का क्षेत्र होगा, क्योंकि वहां तापमान क्या होगा? अधिक होगा, और तापमान अधिक होगा तो हवाएं क्या होंगी? हल्के होकर ऊपर उठेंगी, हल्के ऊपर होकर ऊपर उपटेंगी। तो मकर रेखा के जो धरातल पे, वहां हवाएं क्या होंगी? बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल कम होंगी, वहां पे हवाएं नहीं होंगी उस क्षेत्र को भरने के लिए, निम्न वायुदाब को भरने के लिए चारों तरफ से हवाएं चल पड़ेंगी। अब देखो, तो ये जो हवाएं हैं अब इस वायुदाब को क्या भरने के लिए चल पड़ती है, तो इस वायुदाब को भरने के लिए जब चलेंगी तो ये हवाएं इधर चलेंगी, क्योंकि हमारी आपको पता है मकर रेखा, मैं आपको इसको रब कर रहा हूँ, इसको मैं रब कर रहा हूँ ठीक है। अब लौटता हुआ मानसून देखते हैं, क्या देखते हैं? लौटता हुआ मानसून देखते हैं। तो जब लौट रहा है मानसून तो ये हवाएं मकर रेखा की ओर चलेंगी, मैं फिर बता रहा हूं आपको, मकर रेखा की ओर चलेंगी ठीक है। ये हवाएं किधर चल रही है? इधर चल रही है, धरातल से चल रही है। तो आपको मैं बता दूं अभी कि जब हवाएं धरातल से कब किधर चलेगी? मकर रेखा की ओर यानी कि दक्षिण की ओर। क्यों चल रही है मैं आपको बता रहा हूं कारण, जब सूर्य दक्षिणायन हो रहा है, ये अक्टूबर में लौट रहा है ये मानसून, कब? अक्टूबर में लौट रहा है ये मानसून। तो अक्टूबर में लौटने का अर्थ ये है क्योंकि अब अक्टूबर में सूर्य दक्षिणायन हो रहा है, भूमध्य रेखा से खिसक रहा है किधर? दक्षिण की ओर। देखो यहाँ पे 22 दिसंबर को मकर रेखा पे बिल्कुल लंबा चमकता है, यानी कि अब अक्टूबर से नवंबर दिसंबर आएगा, यानी कि मकर रेखा से जा रहा है ये, तो किधर जा रहा है? भूमध्य रेखा से जा रहा है मकर रेखा की ओर। तो मकर रेखा पे ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनाएगा दिसंबर और नवंबर दिसंबर में बना देगा ये। तो नवंबर दिसंबर में बना दिया वहां पे निम्न वायुदाब का क्षेत्र, तो उसको भरने के लिए अब सागरी, महासागरी, धरातली सारी पवने किधर चलेंगी? उस निम्न वायुदाब को भरने के लिए चलेंगी। तो हमारे इंडिया से भी चलती है पवने, लेकिन बेचारी ये क्या करे पवने, इनमें उतना जोश है नहीं बारिश करने का ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल नमी है। अभी धरातल से चल रही है पवने, तो इनमें धरातल से चल रही है, इनमें नमी तो है नहीं, क्योंकि धरातल में पानी का क्षेत्र इतना है नहीं, तो ये नमी कहाँ से ग्रहण करेंगे? तो जितनी थोड़ी बहुत नमी ग्रहण कर लेती है जो इधर से चलती है, तो हमारी बारिश तो इंडिया में हो ही जाती है, तो इधर से जब आती है थोड़ी बहुत नमी ग्रहण कर लेती है, नदियों से नमी ग्रहण कर लेती है,
तो लौटता हुआ मानसून भी मध्य प्रदेश में थोड़ी बहुत वर्षा कर देता है। मध्य प्रदेश में थोड़ी बहुत लगभग लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर वर्षा कर देता है। क्यों कर देता है? जब ये हवाएं लौटेंगी तो नदियों से अपना क्या है, गंगा पड़ेगी, यमुना पड़ेगी, चंबल नदी पड़ेगी और बहुत सारी नदियां पड़ेंगी, थोड़ी बहुत नमी ग्रहण कर लेती है वो लौटती हुई हवाएं। और उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं हम लौटता हुआ मानसून, और उसी को हम बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। तो ये हवाएं इधर चल रही है, इधर चल रही है, तो ये हवाएं इधर चल रही है, तो ये उत्तर है और ये पूर्व है। तो ये बीच में से जिधर से भी हवाएं चलती है, जिधर से भी हवाएं चलती है मानसून भी उसी को कहा जाता है। अगर हवाएं दक्षिण पश्चिम से चल रही है तो हमने इसको दक्षिण पश्चिम मानसून बोल दिया। यदि हवाएं अब इधर से दक्षिण की ओर चलेगी, किधर से चलेगी, उत्तर पूर्व से, तो इसको हम बोल देंगे उत्तर पूर्वी मानसून, इसको हम बोल देंगे क्या, उत्तर पूर्वी मानसून। तो ये हवाएं चलेंगी इधर, इधर का और रब कर देता हूं मैं, ठीक है, तो ये ठीक है, तो ये हवाएं चलेंगी इधर, ठीक है, ये चल रही है हवाएं, ठीक है, ये हवाएं चल रही है। क्यों चल रही है? दक्षिण में मकर रेखा पे निम्न वायु दाब का क्षेत्र, तो ये वाली हवाएं नदियों से नमी ग्रहण कर लेती है थोड़ी बहुत। तो फिर इनके अवरोध में अरावली, सॉरी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पड़ती है, तो ये 5 से 10 सेंटीमीटर फिर एमपी में वर्षा कर देती है। तो लौटते हुए मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से मध्य प्रदेश में वर्षा होती है 5 से 10%। और ये मानसून क्यों लौट रहा है, मैंने बता दिया आपको क्यों लौट रहा है, क्योंकि मकर रेखा पे निम्न वायु दाब का क्षेत्र है, और उस वायु दाब को क्षेत्र को भरने के लिए चारों तरफ से हवाएं चल पड़ती है। तो उस वायु दाब को क्षेत्र के लिए भरने के लिए चारों तरफ से हवाएं चल रही है, तो इधर से भी चलेंगी, इधर से भी चलेंगी। तो ये हवाएं अभी क्या है कि धरातल पे चल रही है, इतनी नमी नहीं है इनमें कि डबल से बारिश कर दे, तो ये नदियों से कुछ नमी ग्रहण कर लेगी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से टकरा कर मध्य प्रदेश में और बारिश कर देगी, 5 से 10 सेंटीमीटर की बारिश कर देगी। तो ये हवाएं और कहाँ जाती है, ये हवाएं अभी इनमें नमी नहीं बच रही है, तो इस ये इधर आ जाती है, किधर आ जाती है, ये इधर आ जाती है, ठीक है, ये हवाएं इधर आ जाती है, इनमें अब नमी नहीं है, इसीलिए पश्चिम घाट पे फिर से वर्षा नहीं होती। लेकिन जो ये हवाएं चलेंगी, जो ये हवाएं चलेंगी उत्तर पूर्वी मानसून वाली हवाएं चलेंगी, तो ये जो है बंगाल की खाड़ी से क्या कर लेगी, अपनी नमी ग्रहण कर लेगी, बंगाली खाड़ी से अपनी नमी ग्रहण कर लेगी। तो बंगाली खाड़ी से अब नमी ग्रहण कर ली हवाओं ने, तो ये जो हवाएं नीलगिरी पर्वत से टकराएगी, जो तमिलनाडु में है नीलगिरी पर्वत से टकराएगी, ये जो हवाएं हैं नीलगिरी पर्वत से टकराने के बाद तमिलनाडु में क्या करती है, वर्षा कर देती है, क्या कर देती है, तमिलनाडु में वर्षा। तो लौटता हुआ मानसून, भारत का एकमात्र राज्य तमिलनाडु है, वहां पे लौटता हुआ मानसून क्या करता है, बारिश करता है, मैंने आपको बता दिया कैसे करता है, ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।